हाय दोस्तों, तो मैं हूँ स्वीटी और स्वीटी कुमारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम जा रहे हैं बनाने मटर और पनीर की सब्जी और पूरी बनाने जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं आटा ले लिए हैं, इसमें नमक और मंगरेला जमाइन डाल दिए हैं, यहाँ मसाला भी ले लिए हैं। इसमें देखिए लहसुन, गुल के जीरा, खड़ा मसाला गरम है और आदि भी है। और इधर हम प्याज भी निकाल के रख दिए हैं काटने के लिए। इसमें कच्ची मिर्चाई दो रख दिए हैं और हम जा रहे हैं आटा गूंदने। आटा गूंज के प्याज व्याज काट के मसाला पीस के हम लोग को फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये सारा हम काटेंगे पनीर और मटर के सब्जी के लिए। देखिए चलिए हम काटते हैं और आपको दिखाते हैं। काट रहे हैं प्याज को इसी तरह से, हम सारा काट लेंगे प्याज को। काटने के बाद हम है दोस्तों देख सकते हैं पनीर यहाँ पर हम काट लिए हैं। यहाँ प्याज, टमाटर, धनिया के पत्ता, आदि मिर्चाई, आटा भी हम पूरी के लिए गूंद लिए हैं। यहाँ देख सकते हैं गैस खाली पड़ा है, पतंजलि का हम रिफाइन मंगाए थे। यहाँ देखिए अभी हम जा रहे हैं मसाला मिक्सी में हम पीसे थे इसमें डाल लेते हैं। इसमें हल्दी हम इसमें अभी ऐड कर लेते हैं। मिर्चा भी कर लेते हैं, लाल मिर्चा है। पानी डाल देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो देख सकते हैं कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल अब ऐड कर दे रहे हैं। देखने देते हैं तेल को, तेल मेरा गर्म हो चुका है इसलिए पानी डाल देते हैं। देखिए जीरा, चटपटा, सुखा मिठाई थोड़ा है, जीरा चटपटा सुखा मिठाई फोरन मेरा जल चुका है इसलिए हम प्याज को डाल देंगे। सारा प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इसमें हम प्याज को पूरा ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया से हम भूनते रहेंगे जब तक हम पनीर को भी फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी मेरा प्याज बढ़िया से सुनहरा नहीं हुआ है, सुनहरा हो जाएगा थोड़ी ही देर में। इधर हम पनीर भूनने के लिए कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, आटा का लोई भी हम बना लिए हैं ताकि सिर्फ बेलने के लिए रह जाएगा। चलिए हम पनीर को डालते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसी तरह से सारे हम डाल देंगे। प्याज
टमाटर याद कर देना। साथ में पका लेते हैं। इधर पनीर भी मेरा देखिए हो रहा है फ्राई। मसाला को हम और इसमें ऐड कर देंगे। देखिए टमाटर भी इसमें गल चुका है, अच्छा से प्याज भी गल गया है। देखिए मसाला को इसमें हम ऐड कर देते हैं। इधर पनीर भी देखिए लाल सुनहरा हो गया है। कर देते हैं गैस को मसाला को। प्याज तो मिक्सी में भी लोग पीस देते हैं लेकिन हम नहीं पीसते हैं, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। ऐसे ही हम प्याज को नमक से बना लेंगे। देखो पनीर को हम नक्श निकाल दिए हैं यहाँ सारा। यह मसाला को हम यहाँ देख रहे हैं। फिर नमक ऐड करेंगे। देखिए नमक हम दे चुके हैं। इसको भी तो डालना है इसमें। देखते मेरा प्याज एकदम गल चुका है बढ़िया से। ये जो आधा ऊंचाई था ना हम इसको ऊपर से डाल दे रहे हैं। देखिए पनीर को मटर को डालेंगे इसमें। धनिया से भून चुका है और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। रस है पनीर मटर का वो खोल रहा है, इसको डाल देते हैं हम पनीर को। हम डाल दिए हैं इसको, देख सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। इधर देखिए हम इतना पूरी भी बेल लिए हैं। 5 मिनट हो चुका है, इसको देखते हैं। सब्जी मेरा हो चुका था, गैस हम ऑन कर दिए हैं। अब हम पूरी की लोई बना लिए हैं। हाँ देखिए, और छान के आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कढ़ाई में हम रिफाइन डाले हुए थे, इसमें पनीर भून जाते हैं। गर्म हो चुका है, पूरी को हम डाल देते हैं। देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका था, रिफाइन पूरी को हम बारीक बारीक से डालते हैं।
देखिए पूरी फूल चुका है। इसी तरह से सारा पूरी हम छान के आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी मेरा हो चुका है। देखिए कितना अच्छा पूरी फूला फूला। निकाल लेते हैं इसको। इसी तरह से सारा पूरी इसमें पूरी हम बना के दिखाते हैं आप लोग देख सकते हैं। सब्जी बना लिए थे, देखिए कैसा है सब्जी का रंग, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पूरी भी हम छान लिए हैं, देखिए सारा पूरी। अब हम जा रहे हैं पापा जी को खाना देने। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय।